पसंद मोदी जी कभी भी इस तरह से बिहार बिहार ना आए और बिहार में आकर उनको नीचा ना दिखाए, उनके साथ में वो मंच नहीं शेयर करे, एनडीए उनके साथ में शेयर ना करें, एनडीए के घटक ना बने रहें, उनके साथ में जेडीयू एनडीए का घटक ना रहें, मगर नीतीश कुमार जी की एक ना चली मोदी जी के सामने। और मोदी जी क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही शियर उनका एनालिटिकल माइंड है और बहुत ही शियर उनकी रणनीतियाँ होती है, उसके आगे शायद नीतीश कुमार जी फेल होते हुए नजर आते हैं। खैर आगे देखते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, महागठबंधन में बवाल मच गया है और बिहार में सीटों को लेके तनातनी चल रही है। जो पार्टी चाहती है कि हमारे पास में ज्यादा सीट हो, मतलब वो ज्यादा करप्शन करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जिस पार्टी के पास में ज्यादा सीटें होती है वो पार्टी ज्यादा करप्शन करती है और जिस पार्टी के पास में कम सीटें होती है उसको दूसरी पार्टी के का अचल थाम कर रहना पड़ता है। सबसे पहले तो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, आरजेडी और नक्सली पार्टियों के साथ में कुछ छोटी मोटी पार्टियां, सीपीआई जिसके कन्हैया कुमार है और सीपीएम जिसका येजुरी साहब जिसमें है, तो महागठबंधन में ये सारी पार्टियां हैं। महागठबंधन में अगर हम देखेंगे तो 143 सीट जो है वो आरजेडी की रहेगी और 70 सीटें जो है कांग्रेस को दे दी गई है। उसके बाद में सीपीआई को 6 सीटें दी गई है, सीपीएम को 4 सीटें दी गई है और 10 सीटें सीपीआईएमएल को दी गई है और भी दूसरी पार्टियों को जो है कुल मिलाकर कांग्रेस और आरजेडी के अलावा दूसरी पार्टियों को 29 सीटें दे दी गई है। और अगर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी अभी भी बीजेपी पे डिपेंडेंट है क्योंकि जेडीयू ने, हम लोग एनडीए की बात कर रहे हैं, जेडीयू ने एलजेपी के सिर से अपना हाथ उठा लिया है और जेडीयू जो है एलजेपी को सपोर्ट करने के लिए सीटों के मामले में तैयार नहीं थे, इसलिए चिराग पासवान को अमित शाह के पास जाना पड़ा नेगोशिएशन करने के लिए और चिराग पासवान को जो है अभी भी बीजेपी पर डिपेंड रहना है। और बीजेपी के पास में जहां पर 121 सीटें हैं और 122 सीटें जो है जेडीयू के पास में है, जिसमें जेडीयू जो है जितेंद्र मांझी की पार्टी को सीटें देगा और एलजेपी जो है बीजेपी से सीटें लेने को तैयार है। और इस बार वीआईपी को जो है जो मल्ला जिसके लीडर है उनको किसी भी तरह की सीट देने से दोनों ही महागठबंधन ने और एनडीए ने दोनों ने ही मना कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से बिहार में पार्टियां लगातार लड़ रही है। बीजेपी को इस बार मौका था कि बीजेपी इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के दम पर अपने मुख्यमंत्री फेस को सामने लाकर अपने दम पर इलेक्शन लड़ती और अपना मुख्यमंत्री का फेस लेकर आती, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं किया, ऐसा ऐतिहासिक मौका बीजेपी ने छोड़ दिया है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों में से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो लगातार नॉन स्टॉप लगे हुए हैं कि लगातार वो एनडीए को आगे दिखाने में लगे हुए हैं कि एनडीए के पक्ष में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, 41 से लेके तो 44% तक बिहार की जो जनता है वो एनडीए के पक्ष में है। और जहाँ पर चिराग पासवान है एनडीए में और जहाँ पर नीतीश कुमार है एनडीए में, बीजेपी है एनडीए में। और बताते हैं कि कुछ जो नेता हैं कांग्रेस के और आरजेडी के और कुछ नक्सली नेता जो बहुत फेमस है, सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार भी बहुत फेमस है, इस तरह के नेताओं का दबदबा और इस तरह के नेताओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है बिहार की जनता पर। और इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से असंतुष्ट है, उसका जवाब आप देख सकते हैं कि जब भी नीतीश कुमार जी की रैली होती है वहाँ पर उन पर पत्थर, दो बार तो पत्थर फेंक दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार जी को इन पत्थरों का मतलब समझ में आ रहा होगा कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया और नीतीश कुमार जी अपने 15 साल की उपलब्धियां नहीं बताते हैं और पिछले 15 सालों की उपलब्धियों के बारे में ताने मारते रहते हैं। तो खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज की जो अब लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे आज की बातचीत पे। आपको याद है प्रशांत भूषण साहब जो हमारे बहुत फेमस वकील है और सोशल वर्कर है और आप आदमी पार्टी में भी लीडर थे,
प्रशांत भूषण साहब ने जो है फिर से एक बार ट्वीट कर दिया है, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने सीजेआई जो हमारे बोबड़े साहब, एसएस बोबड़े साहब पर फिर से उन्होंने निशाना साधा है, उन्होंने फिर से बताया है और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इसके पहले भी प्रशांत भूषण जी की बात करें तो वो कोर्ट की अवमानना के मामले में सो मोटो केस की कार्रवाई झेल चुके हैं इसके पहले भी, फिर एक रुपए का जुर्माना लेकर उनको छोड़ दिया गया। एक बार फिर से जस्टिस बोबड़े के बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि जस्टिस बोबड़े ने जब वो एमपी में गए तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में घूमने के लिए उन्होंने, और अपने घर नागपुर जाने के लिए उन्होंने बीजेपी द्वारा प्रोवाइड किए गए विशेष चॉपर का इस्तेमाल किया, वो भी उस समय में जो बीजेपी के बागी विधायकों का मामला इनके पास में लंबित है। सीजेआई जस्टिस बोबड़े के पास में ये मामला लंबित है। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश सरकार में सत्ता में बने रहना और ना बने रहना इस मामले के निर्णय पर डिपेंड करता है, ऐसे समय में जस्टिस बोबड़े को, जब बागी विधायकों का मामला मध्य प्रदेश से इनके पास में लंबित है, जस्टिस बोबड़े को विशेष चॉपर कान्हा किसली पार्क में घूमने के लिए और ना ही नागपुर जाने के लिए उनको लेना चाहिए था। इसको देख के उन्होंने ट्वीट कर दिया, एक बार फिर से जबरदस्त हमला सीजेआई जस्टिस बोबड़े पर प्रशांत भूषण जो बहुत फेमस वकील है उन्होंने किया है। देखते हैं, ये मामला बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि ऐसा इन्होंने दूसरी बार किया है। पहली बार मैं आपको, मेरे काफी सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ पहली बार में क्या हुआ था। क्या आगे बढ़ते हैं कि मोदी सरकार के लगातार जो है एक के बाद एक आक्रमण के बाद में, जैसे मोदी जी महाराष्ट्र सरकार पर आक्रमण करवा रहे हैं, एक तो बताते हैं रिपब्लिक टीवी लगातार उद्धव सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, शिवसेना सरकार के पीछे पड़े हुए हैं रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी, नंबर दो कंगना रणावत लगातार उनके पीछे पड़ी रहती है, फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी अलग अलग बयानबाजी करते हैं। ऐसे में जो उद्धव सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है कि अगर सीबीआई को किसी भी तरह की जांच महाराष्ट्र में करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं किया, इसके पहले ममता बनर्जी ने और राजस्थान, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में और राजस्थान सरकार ने भी इस तरह के निर्णय पहले ले लिए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि अगर केंद्र सरकार को सीबीआई जांच किसी भी मामले में करानी है उनके स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में, तो राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है और अनुमति लेनी जरूरी है। तो इस तरह की चीजें हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर ताबड़तोड़ हमला करने वाली कंगना रणौत पर मुंबई पुलिस ने 26 और 27 अक्टूबर को पेश होने के लिए और जांच में सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं, और कंगना रणौत के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल को भी यह आदेश है। ऐसा मजिस्ट्रेट का फैसला है जो उनके द्वारा उन पर एक एफआईआर दायर की गई थी, राजद्रोह की एफआईआर दायर की गई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट का ये फैसला है कि कंगना रणौत तो उनकी बहन को 26 और 27 अक्टूबर को इस एफआईआर के चलते पुलिस स्टेशन जाना होगा और सहयोग जांच में सहयोग देना होगा कि क्या कंगना रणौत ने वास्तव में राजद्रोह किया है इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार उल्टे सीधे बयान पेश करके। उसके बाद में हम देखते हैं कि 18 अक्टूबर को ट्विटर ने जो है लेह की लोकेशन जो है जियो टैग लोकेशन लेह की वो चीन में बता दी है, जिसको लेकर भारत ने जो ट्विटर है ट्विटर को चेतावनी दी है और ट्विटर के सीईओ है जैक डोर्सी को बताया है कि वो संवेदनशीलता के साथ में काम करें। और लेह जो है भारत का जियो टैग लोकेशन है, जो अभी जियो टैग लोकेशन चीन में बताया जा रहा है, तो जैक डोर्सी को संवेदनशीलता के साथ काम करने के लिए भारत सरकार ने चेतावनी दे दी है। उसके बाद में चीनी जासूस के निशाने पर पीएमओ सुरक्षा उपकरण और दलाई लामा थे, और ये सारी जानकारी जो है हमें आज मिली है कि चीनी जासूस के निशाने पर जो है भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर दलाई लामा और सुरक्षा उपकरण भी थे। आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस ने बिहार में अपना चुनावी घोषणा पत्र क्या जारी किया, और कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र किस तरह से
आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस ने बताया है कि वो अगर उनकी सरकार आती है तो वो कर्ज माफी करेंगे, सबसे पहले तो कर्ज माफी करेंगे, महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे, कर्ज माफी करेंगे और बिजली, मुफ्त बिजली की सुविधाएं करवाएंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है सूबे में, अगर कांग्रेस की सरकार बिहार में आती है तो वो जो है करप्शन को दूर करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करवाएंगे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के खिलाफ कहा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और जो पाकिस्तान की तारीफ करता है वो देश का हित कैसे कर सकता है, और जिसको देश का हित नहीं सोचना होता है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से जो अपनी बिहार रैली में, जो मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो है बिहार के स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर ये शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में जैसे मैंने आपको वीडियोज में बताया, राहुल गांधी ने पाकिस्तान के GDP की तारीफ की और IMF के चार्ट जो उन्होंने रिलीज किए थे, उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे देश से कोरोना को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहा है, उनकी GDP हमारे यहाँ से बेहतर है। और उन्होंने बताया था कि IMF का अगर चार्ट देखेंगे हम, उसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है उनका पर कैपिटल इनकम जो है हमारे यहाँ से बेहतर है। तो इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर शिकंजा कसा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले राहुल गांधी जो है देश हित नहीं चाह सकते, और अगर वो देश हित नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जरा एक सेकंड, कॉल आ रही है, राइट। ऐसे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि और भी दूसरी पार्टियों ने अपने राजनीतिक एजेंडे के चलते अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया है और जिनको विजन डॉक्यूमेंट कहा है कि उनका क्या विजन है, चिराग पासवान का सत्ता में आने के बाद में क्या विजन है, चिराग पासवान ने उसके बारे में बात की। चिराग पासवान ने बताया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले करप्शन को दूर करेंगे। उन्होंने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों पर कार्यरत रहने की बात की जाएगी, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को वो साकार करेंगे और सभी नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में वादे लिखे हैं वो सारे ही वादे जो है पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर निशाना कसे हुए हैं और चिराग पासवान के अलावा RJD के नेता तेजस्वी यादव जो CM कैंडिडेट भी है इस बार, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार की सरकार के पास में पैसे ही नहीं है तो बिहार की सरकार ने 15 सालों तक क्या किया है। उसके बाद में हम देखते हैं केजरीवाल ने पंजाब सरकार को, जैसे मैंने आपको कल बताया था, पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों पर अपनी तरफ से अध्यादेश पारित करके कृषि बिलों को निष्क्रिय करने का काम पंजाब में किया है और ऐसा ही राजस्थान सरकार ने भी किया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो MSP गारंटीड करवाना चाहती है और उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वो केंद्र सरकार जो है उनकी बात माने और केंद्र सरकार किसी भी हिसाब से इन कृषि बिलों में MSP को गारंटी लिखे, किसानों के ऊपर दबाव या किसानों के ऊपर जबरदस्ती के करने वाले उद्यमियों को या उद्योगपतियों पर 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान करे। मगर जब केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद से ही जो है विधानसभा में ये विधायक पारित करने की बात की है, जिस पर केजरीवाल ने उनको पाठ पढ़ाया है कि पंजाब सरकार को ये समझना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बिलों पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो जो कुछ करना है वो केंद्र सरकार को ही किसान बिलों पर करना पड़ेगा, फार्मर्स बिल पर करना पड़ेगा, राज्य सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ थोड़े बहुत संशोधन पॉसिबल है रेयरेस्ट केसेस में, मगर इस पर अगर कुछ भी काम करना है तो वो केंद्र सरकार ही करेगी। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या जो है बता रहे हैं कि 2 गुनी हो गई है। अमेरिका में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और न्यूजीलैंड में भी, जो बताया जाता है कोरोना मुक्त हो गया था एक समय में, न्यूजीलैंड में भी
इलेक्शन के बाद में अब बता रहे हैं कि 25 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और बताया जाता है कि अभी पूरे विश्व में कोरोना के जो कुल संक्रमित है वो करीब करीब 4,25,00,000 के आसपास कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है पूरे विश्व में बताया जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी 78 लाख संक्रमित मरीज हो गए हमारे भारत में भी। ब्राजील में कोरोना की टेस्टिंग में बताते हैं कि एक स्टूडेंट की मौत हो गई है कोरोना वैक्सीन ट्रायल में, लेकिन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल थमा नहीं है ब्राजील में भी। उसके बाद हम बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को इंडिया भेजेंगे और उनकी ये कूटनीतिक चाल बताई जा रही है। अमेरिका की बात आई तो मैंने आपको बता दूं उनकी कूटनीतिक चाल बताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा। और ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि हमको चुनाव से ज़्यादा हमारे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, इस तरह की बातें, रिश्ते ज़रूरी है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिलीज़ किया है। चुनावी माहौल जो है बहुत तेज़ है। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है और अभी चुनावी सरगर्मियां वहां पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और हमारे यहां पर तो खैर विधानसभा चुनाव है ही, लेकिन इन सब के चलते जो कोरोना का कहर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और मरने वालों की संख्या अमेरिका में बढ़ गई है, जो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। उसके बाद में एमपी में शिवराज सिंह के खेमे में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वो शायद उनको दिए गए टिकट से और बहुत सारी चीज़ों से खुश नहीं थे और शिवराज सिंह चौहान ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। उसके अलावा महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक नेता थे एकनाथ खड़से, आपने नाम सुना होगा, एकनाथ खड़से ने भी बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी पार्टी से नाराज होकर अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका भी इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए, तेलंगाना के बाढ़ पीड़ितों के लिए बाहुबली ने 1.5 करोड़ रुपए का सीएम राहत कोष फंड में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि बाहुबली द्वारा हमेशा ही इस तरह की दान राशि दी जा रही है। और तेलंगाना और हैदराबाद में बाढ़ का प्रकोप जो है उससे अभी तक 38,000 लोग जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और घर से बेघर हो गए हैं और बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या करीब करीब 2,000 लोग मर चुके हैं बाढ़ों के चलते। खैर एग्जैक्ट आंकड़े तो कोई भी रिलीज नहीं करता, ऑफिशियल आंकड़े बता रही हूँ मैं आपको जो ऑफिशियल आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं। उसके बाद में टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार, जो टाइम्स नाउ के सी वोटर ओपिनियन पोल्स होते हैं उसके अनुसार, अगर बिहार में आज बिहार में इलेक्शन होते हैं तो एनडीए को जो है बताया जाता है कि 40% लोग एनडीए को वोट देना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, सी वोटर, टाइम्स नाउ का सी वोटर जो है या आज तक है जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमेशा ही एनडीए को आगे बताएंगे क्योंकि एनडीए में जो है बीजेपी भी महत्वपूर्ण घटक है, तो बीजेपी की सभी लोग तारीफ करेंगे और बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात आती है। उसके बाद बताते हैं कि यूपीए को जो है 31.8% लोग यूपीए को वोट करेंगे जो कि काफ़ी पीछे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एनडीए को 40% लोग जो है 41% लोग जो है एनडीए को वोट करेंगे, तो जो एनडीए के लिए बड़ी खुशी की बात है। मगर नीतीश कुमार जी के लिए खुशी की बात नहीं है, जो जेडीयू के नेता है और जो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता में काफी आक्रोश है। मैंने आपको बताया कि बार बार पत्थर मारे जा रहे हैं, उनकी रैली में बहुत ज्यादा भीड़ भड़की हुई है नीतीश कुमार जी की रैली में। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता है सीएम उम्मीदवार, उनके चुनावी सभा में भी किसी ने उनको चप्पल मार दी थी, हालांकि उनको 2 चप्पलें मारी गई, एक उनके सिर से होकर गुजरी और एक उनकी छाती पर लगी है। वैसे ही नीतीश कुमार जी को भी पत्थर, किसी युवा ने पत्थर मार दिया और फिर युवा को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, पुलिस की तरफ से युवा को इमिजिएटली धर दबोचा गया। लेकिन उस पत्थर का जवाब जो है नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया होगा कि बिहार की जनता किस हद तक नाराज है। और ओपिनियन पोल में, टाइम्स नाउ के सी वोटर ओपिनियन पोल में 42% लोग जो है वो नहीं चाहते बिहार में किसी भी हिसाब से कि नीतीश कुमार उनके नेता बने बिहार के। आगे बढ़ते हैं कि चिराग पासवान ने बताया है उनके संकल्प पत्र में, क्योंकि बीजेपी का भी घोषणा पत्र रिलीज हो गया है और बीजेपी ने भी बताया है कि 3 लाख शिक्षकों की भर्ती हर साल होगी और 19 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और भी कई सारे वादे
फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा बिहार में, ऐसा बीजेपी ने कहा है कि फ्री वैक्सीनेशन पूरे बिहार में लगेगा, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और पानी का अधिकार हर बिहारी को दिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि बिहार में 19 लाख नौकरियां मिलेगी, जिस पर सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल गया है कि जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां बताई थी बिहार में, तो बीजेपी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां कहां से लाओगे। अब बीजेपी खुद अपने घोषणा पत्र में जो है 19 लाख नौकरियां कह रही है, तो 19 लाख नौकरियां कहां से लाएगी। हमेशा ही हर राजनीतिक पार्टी जो है घोषणा पत्र लाकर बड़े बड़े वादे तो जनता से कर लेती है, लेकिन धरातल पर अगर हम जाए, जमीनी स्तर पर अगर हम जाए, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपने 50% वादे या 25% वादे भी जनता के साथ में जो किए हुए हैं उसको फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं रहती है। लेकिन वादे तो वादे हैं, वादों का क्या है। खैर, इस पर चिराग पासवान ने कहा है और उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि अफसरशाही और घोटाले जो है बंद किए जाएंगे, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि हमारे प्रदेश में जो है दोषियों को जेल भिजवाना बहुत जरूरी है, अगर नीतीश कुमार इलेक्शन जीत जाते हैं तो बिहार हार जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो वो 7 निश्चय घोटालों में जांच करवाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से करप्शन को उखाड़ फेंकें और जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं वो सबकी सब जेल में जाकर बैठे। तो चिराग पासवान, हालांकि बताया जा रहा है कि काफी आक्रामक है और जोशीले हैं इस समय पे, और उनकी पार्टी जो LJP लोक जनसत्ता पार्टी NDA का अहम घटक है, लेकिन आगे देखते हैं कि कितनी पार्टियां, बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे LJP है, चाहे RJD ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है वो काफी पहले रिलीज कर दिया था, और फिर बीजेपी ने भी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र रिलीज किया है। इनके बड़े बड़े वादे, संकल्प पत्रों में लिखी हुई बड़ी बड़ी बातें कब तक जो है पूरी हो पाती है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए प्रधानमंत्री ने दुर्गा पूजा पांडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर नारी शक्ति की महत्ता बताई है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि अगले साल चुनाव है और बीजेपी का जो अभियान है वो तभी सफल होगा जब महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति जो है उसका महत्व जो है सबसे अधिक होता है और बीजेपी का यही विचार है, यही बीजेपी का संकल्प है, और नारियों को सपोर्ट करना ही बीजेपी का संस्कार है। इस तरह की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तेजी से विकास किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत का अभियान पश्चिम बंगाल में सफल होगा। मोदी जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल का विकास करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, और इस बार चुनावी प्रचार में वर्चुअल रैली करते हुए अमित शाह और मोदी जी ने, पूरी बीजेपी ने एक तरह से कमर कस ली है और बीजेपी जो है ममता सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। खैर, आगे बढ़ते सुशांत सिंह के प्रकरण में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण में, जहां पर CBI द्वारा या कोर्ट द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अबेटमेंट सुसाइड है या मर्डर है या सुसाइड है, हाईकोर्ट ने रिपब्लिक चैनल को जम के फटकार लगाई है। रिपब्लिक चैनल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब CBI ने ये नहीं बताया कि सुशांत सिंह का मामला मौत का है या सुसाइड का, तो आपके चैनल में आप चिल्ला चिल्ला कर जो है उसको मौत क्यों बता रहे थे और जनमत ले रहे थे, आपकी जो हत्यारे हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप किसी की मौत पर इतने भावनाहीन कैसे हो सकते हैं, क्या सुशांत सिंह के मामले में निर्णय लेना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या चिल्ला चिल्ला के सुशांत सिंह की सुसाइड के बारे में या मौत के बारे में बात करना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह की जम के फटकार हाईकोर्ट की तरफ से इस बार रिपब्लिक चैनल को लगी है। और फिर भी रिपब्लिक चैनल, मुझे लगता है कि ये मुद्दा छोड़ने वाला है नहीं। अर्नब गोस्वामी जो है और ये ऐश्वर्य कपूर लगातार चीख चीख कर जो है सुशांत सिंह के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं। खैर, बहुत खुशी की बात है कि इतना ज्यादा सुशांत सिंह से प्यार कर रहे हैं, मगर हाईकोर्ट के नियमों का जो है ये पूरी, एक सेकेंड मुझे टाइम देना, हाईकोर्ट के जो है
अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी तरह से गलत है। इसके पहले ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, अर्णब गोस्वामी और कुछ संवाददाता रिपब्लिक चैनल के अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला लेने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हाईकोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, तो आपको महाराष्ट्र हाईकोर्ट के पास ही जाना होगा, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ही आपके केस में कुछ डिसाइड कर सकता है, हम इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जबकि लगातार आज 5 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल से 14 जून को सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आज 4-5 महीने हो गए, लेकिन लगातार अपने डिबेट्स में बॉलीवुड और सुशांत की मौत पर लगातार अर्णब गोस्वामी जी और उनकी टीम बनी हुई है लगातार, और लगातार सुशांत के जो है अपराधी है सुशांत, लगता है जिन्होंने सुशांत का बॉयकॉट किया था, लगता है जिन लोगों ने सुशांत के साथ में पार्टीज की थी, जिन लोगों ने सुशांत को अफेयर, जिन्होंने जो लोग सुशांत के रिलेशनशिप में रहे थे, जिन्होंने सुशांत की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की, रिपब्लिक चैनल ने उनके ऊपर शिकंजा जकड़ रखा है, उनको पूरी तरह से उनकी लानत मलामत करने का कार्यक्रम शुरू रखा है। ये मुहिम जो है काफी इंटरेस्टिंग मुहिम एक तरह से अर्णब गोस्वामी ने एंटरटेनमेंट के लिए रखी है, और कहते हैं इसी के सबके चक्कर में लगातार रिपब्लिक चैनल जो है टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन पे है, क्योंकि सुशांत सिंह को न्याय दिलाना घर घर में हर बच्चे का और हर माँ का और हर महिला का जो है दायित्व समझ रही है हमारी देश की जनता, इसी को लेकर अर्णब गोस्वामी का चैनल जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अर्णब गोस्वामी जी के इस चैनल को जो है नंबर 1 की टीआरपी रेटिंग मिली हुई है, और सुशांत सिंह को लेकर जितने भी लोगों ने अगर एक भी अपशब्द बोला है तो उसका नाम मेंशन करने से अर्णब गोस्वामी जो है बिल्कुल हिचकते नहीं है, कतराते नहीं है। तो यही खैर काफी इंटरेस्टिंग सा एक माहौल है। और आज बता दूं कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां चल रही है उसी के बीच में पीएम मोदी ने अपना कल शाम को 6 बजे राष्ट्र को संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 7वीं बार उन्होंने संबोधन किया है, हाँ 7वीं बार उन्होंने इस स्वास्थ्य आपदा के चलते, ये स्वास्थ्य मुसीबत के चलते उन्होंने 7वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने 112 दिन के बाद में देश को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि मानवता को बचाने के लिए सभी देश जो है एक साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मुसीबत से बचने के लिए हमारे देश में 90 लाख बेड का अरेंजमेंट है जो हमारी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि अपने 7वें संबोधन में लगातार उन्होंने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना में लॉकडाउन तो खत्म हो गया है लेकिन वायरस अभी भी जिंदा है, तो वायरस से बचना आपका काम है, आपके प्राणों की रक्षा आपके हाथ में, मतलब एक बार फिर से आत्मनिर्भर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आत्मनिर्भरता का पाठ जो है मोदी जी ने फिर से एक बार हम सब लोगों को पढ़ा दिया है। लेकिन मोदी जी किसी भी तरह से, जिस तरह से पीपी किट्स के घोटाले हो रहे हैं, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, चीन की जो आक्रामक पॉलिसीज है हमारे हमको लेकर, चीन जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं उसको लेकर मोदी जी ने कोई बात नहीं की। मोदी जी ने यही कहा है कि त्योहारों में मार्केटों में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ रही है लेकिन सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, ऐसी गुहार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाई हुई है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि पीएम मोदी आकर यही सब बात करते हैं लेकिन एक भी सवाल अगर मैं पूछूंगा तो उसका जवाब मोदी जी नहीं देते हैं, मोदी जी के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर चाइना के विषय में या जीडीपी के संदर्भ में या बेरोजगारी के आंकड़ों के संदर्भ में, जहां पर 1.89 करोड़ नौकरियां चली गई है, ऑफिशियल नौकरियां चली गई है, संगठित क्षेत्रों की नौकरियां चली गई है, राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं अगर कोई भी सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब देने की हिम्मत मोदी जी नहीं करेंगे, और मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। इसी तरह की जो है घुमावदार बातें मोदी जी आकर करते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दो दिन पहले शायद कमलनाथ को भी, जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं एमपी से, उनको भी फटकार लगाई थी, जहां पर कमलनाथ ने इमरती देवी, जो सिंधिया खेमे की मंत्री हैं इमरती देवी, उनको बताया जाता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी विधायक नहीं है, उनको कमलनाथ जी ने आइटम बता दिया था, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने कहा था कि यह बहुत ही दुख की बात है, कमलनाथ मेरी पार्टी के नेता हैं मगर मैं निजी तौर पर इस तरह की बातचीत का समर्थन नहीं करता हूं, इस तरह की बात का समर्थन नहीं करता हूं। कमलनाथ चाहे कोई भी हो, उनको उनकी इस तरह की
शब्दावली के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि कमलनाथ जी ने उसका रिप्लाई दिया था कि मैंने आइटम, ऐसे आइटमों की लिस्ट होती है, वैसे ही विधानसभा के जो भी उम्मीदवार होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी एक तरह से आइटम होते हैं किसी चेकलिस्ट के, वो दिमाग में रखकर मैंने उस संदर्भ में उनको आइटम कहा था। मेरा इमरती देवी को अपमानित करने का कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, जबकि इसी तरह की बातें करते रहते हैं, जो बातें ये लगातार कर रहे हैं और एक रिपीटेटिव बातें बार बार कहते हैं मोदी जी ट्विटर से लेकर। तो जब देश को एड्रेस किया उन्होंने सातवीं बार, 112 दिन बाद वो वही बातें कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और त्योहारों के काल में, त्योहारों के समय में, जहां मार्केट में इतनी सारी भीड़ बनी हुई है, हमें अपने आप को घरों में सुरक्षित रखने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता का इस तरह का पाठ मोदी जी ने हम लोगों को पढ़ाया है, अच्छी बात है। कृषि कानून पर, कृषि कानून के खिलाफ, मैं आपको बता दूं, कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम है, उन्होंने ये बताया है कि हम कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे। ऐसा ही लगातार राजस्थान सरकार कहती आ रही है कि हम इस तरह का प्रस्ताव पारित करेंगे जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित ये तीन कृषि कानून जो है निरस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी के नीचे फसल लेने वालों पर तीन साल की जेल और जुर्माना होगा। उसी तरह से किसानों पर किसी भी तरह का दबाव बनाकर या किसानों पर किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का दावा करने वाले को भी जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। उन्होंने बताया है कि हमने ये फैसला इसीलिए दिया है ताकि अन्नदाताओं की परेशानियों को हम खत्म कर सके। उन्होंने कहा है अन्नदाताओं को कि वो अपना अपना धरना खत्म करके अपने अपने काम पर लौटें और बिहार सरकार जो पंजाब सरकार जो है उनके विकास और उनकी परेशानियों के ऊपर ध्यान देने के लिए बैठी है और शीघ्र ही कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। पंजाब में नए अध्यादेश इन कृषि कानूनों के खिलाफ पारित किए जाएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया, केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया है कि अगर इसमें कुछ भी सुधार कर रहे हैं या कृषि कानूनों को निरस्त करना है, निष्क्रिय करना है, तो केंद्र सरकार को ही नया अध्यादेश लाना पड़ेगा, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिहार में गया जिले में जब नीतीश कुमार अपना भाषण दे रहे थे तो मंच पर युवा ने पत्थर फेंक दिया है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की ऐसा इसलिए कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में लोग, क्योंकि लोग परेशान हैं। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी तरह की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू का एजेंडा मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कांग्रेस, एलजेपी और आरजेडी का और बीजेपी के एजेंडे बताए, चुनावी मैनिफेस्टो बताए मैंने आपको, तो जेडीयू के हिसाब से नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी सरकार आती है, अगर एनडीए आती है और वो एक बार फिर से अगर बिहार की सरकार उन्हें, बिहार की जनता अगर उनको मौका दे, तो बिहार की जनता को फ्री में सौर ऊर्जा से रोशन कर देंगे, उनके घरों को सौर ऊर्जा के उपक्रम जो है बिहार में हर जगह पे लगेंगे, पूरे बिहार को जो है स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिहार के हर गांव को स्मार्ट सिटी बना देंगे, छात्रों को जिला स्तर पर तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है छात्रों को जिला स्तर पर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने ये मन बनाया है कि बिहार, अगर इस बार वो बिहार में फिर से सीएम बनकर आते हैं, तो बिहार में किसी भी तरह की बिहार की जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार को उच्चतम या विशेष राज्य का स्तर दिलाने के लिए तैयार है। तो इस तरह की कुछ बातें जो है उन्होंने की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी युवाओं की तरफ से उनको पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। यही इसी तरह का हाल कुछ पश्चिम बंगाल में है, जहां पर ममता सरकार पांडाल में लोगों की प्रवेश कराकर लोगों का दिल जीतना चाह रही थी ममता बनर्जी जी, लेकिन हाईकोर्ट ने लोगों को पांडाल में प्रवेश से रोक लगा दी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने कहा है कि मात्र 45 लोग ही एक साथ, कार्यकर्ताओं के साथ में 45 लोग ही मात्र पांडाल में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा कर हाईकोर्ट ने
ममता सरकार के मिशन पर रोक लगा दी है, जहां पर एक तरफ तो बीजेपी अपनी चुनावी रैलियां लगातार कर रही है, वहीं पर एक दूसरी तरफ जो है भक्तों का दिल जीतने के लिए ममता मिशन का ये जो भक्तों को दुर्गा पांडाल में पूजा के लिए अलाउ करना जो है निष्क्रिय या पूरी तरह से मना का, हाईकोर्ट की मनाही के बाद में फ्लॉप हो गया ममता जी का मिशन, और अब सिर्फ 45 लोग ही पांडाल में जा पाएंगे। और जो ममता जी का हिंदुत्व कार्ड था, वो हिंदुत्व कार्ड जो है पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में नजर आ रहा है। गौर करने वाली बात होगी कि इसके पहले भी ममता बनर्जी ने 1000 पंडितों को मुफ्त आवास और भोजन की व्यवस्था करवाई थी, और ममता बनर्जी भी अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलने से कहीं भी जो है पीछे नहीं है। लेकिन इस बार सिर्फ हाईकोर्ट ने जो है नो एंट्री का बोर्ड लगा के ममता बनर्जी का हिंदुत्व कार्ड भी फ्लॉप कर दिया है और मिशन को एक तरह से ठंडा कर दिया है। खैर, आज के लिए इतना ही, और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। यह हमारा नया चैनल है और जिसको सब्सक्राइब करके आप जितने भी वीडियो डालते हैं, सारे ही वीडियो, आजकल बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, आप सारे वीडियोस को देखिए, अंत तक देखिए मैं तो कहूँगी, अपने फ्रेंड्स